हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सिप्टेन खान, आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यमहा एफजेड में कैसे बार लाइट को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कुछ इस टाइप का बॉक्स है जो हमने मंगाया है इसको ऑनलाइन, और इसमें हैंडल वेट, हालांकि लाइट का वेट ज़्यादा बता रहा है, और 11 LED बिग ब्लैक। तो चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, कुछ इस टाइप का हैंडल बार लाइट है, और इसमें एक वाइट कलर और एक सिग्नल लाइट का येलो कलर का ब्लिंक करेगा, तो ये 2-in-1 है, और कुछ ये हैवी भी है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बार लाइट को फिक्स करने के लिए ये वाइसर और ये 13 नंबर का नट की जरूरत पड़ेगा, और इसको अपने स्टेयरिंग में इस टाइप से इसको फिक्स करना है इस टाइप से, और इसको वेल्डिंग करवा के स्टेयरिंग के होल में इस टाइप से वेल्डिंग करवा देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बार लाइट को यहाँ पे इंस्टॉल करना है कुछ इस जगह पे, और मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ नट और वाइसर के साथ वेल्डिंग करवा के रखा है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये आप देख रहे हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ये होल छोटा सा करवा के रखा है, और ये तार को यहाँ से इस साइड तक डाल के रखा है ताकि वायर को खींचने में तकलीफ ना पड़े, और दूसरी साइड भी यहाँ पे, ये आप बिल्डिंग वाले के यहाँ जाके बनवा सकते हो, और इसको खोलना पड़ता है, तो मैं पहले से ही करवा के रखा हूँ। और कैसे बार लाइट को यहाँ फिक्स करेंगे उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये बार लाइट को यहाँ पे फिक्स करना है, तो यहाँ ये वायर को ज्वाइन करके और इस साइड खींच लेते हैं इसको कुछ इस टाइप से। यहाँ इसको फिक्स कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ इसको फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे क्या, थोड़ा सा एक्सीलेटर को अपने को यहाँ थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बार लाइट यहाँ पे फिक्स होएगा तो ये एक्सीलेटर जाम हो जाएगा। इसके लिए इसको यहाँ थोड़ा सा कटिंग करते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपने को कटिंग करना पड़ेगा, तो ये मैं काट दिया हूँ। तो कुछ इस टाइप से वायर को अंदर डाल के खींचना है ये वायर के साथ में, और यहाँ पे इसको निकालना है। तो ये दोनों बार लाइट का वायर को यहाँ पे बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कुछ इस टाइप से इसको फिक्स कर दिए हैं, और ये थोड़ा सा एक्सीलेटर को ताकि उसका एक्सीलेटर काम करे, तो ये आप जब तो ये बार लाइट का कनेक्शन करने के लिए लाइट को निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड, कुछ इस टाइप से इसका वायरिंग करना पड़ेगा। अब ये रेड वाला है दो जो सिग्नल लाइट ब्लिंक करता है उसका वायर है, और ये ब्लैक ग्राउंड का वायर है, और ये जो येलो कलर है ये डीम लाइट पे है, और इसकी वायरिंग कुछ इस टाइप से की जाएगी। ये वायरिंग को यहाँ सिग्नल लाइट के वायर के साथ अटैच करना पड़ेगा, और दूसरी वाली रेड वाली वायरिंग को लेफ्ट वाली सिग्नल लाइट के साथ अटैच करना पड़ेगा, और फिर ये येलो कलर का, और ये वायर को जो डीम लाइट हेडलाइट में जलता है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये ग्राउंड वाला वायर को
ग्राउंड कहीं भी कर सकते हो, जैसे हेडलाइट के वायर में ये ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है, इसके साथ अटैच कर सकते हो आप। तो कुछ इस टाइप से वायरिंग को यूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ इसको निकालेंगे और यहाँ ये टाई का यूज़ करेंगे, ये वायरिंग को यहाँ पे बैन कर देंगे ताकि वायर टूटे नहीं। तो कुछ इस टाइप से वायरिंग को यहाँ फिक्स कर दिए हैं, और ये वायरिंग को यहाँ फिक्स कर दिए हैं, ये सिग्नल लाइट लेफ्ट राइट का, और ये डीम लाइट, और यहाँ पे ग्राउंड दे दिए हैं। तो अब ये हेडलाइट को यहीं पे फिक्स करते हैं। तो कुछ टाइप से हम लाइट को यहाँ फिट कर दिए, और अब देखते हैं कि ये बार लाइट, और इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। तो ये वाइट कलर का आप देख सकते हैं, वाइट कलर का लाइट यहाँ पे ऑन हो चुका है। और फिर हम इसको यहाँ से सिग्नल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और फिर ये राइट साइड, so we're gonna take back everything and lose it all.